हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीचर्स की एक नई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन आया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सहारनपुर की तरफ से। ये दिनांक 20/7/2023 को पब्लिश हुआ है और इन्होंने बताया कि ये जो आवासीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय होते हैं तो उनमें वैकेंसी है टीचर की, और ये कक्षा 6 से 8 तक में शिक्षक और गैर शिक्षक के पदों पर जो एडवर्टीजमेंट निकाला है इन्होंने। जैसा कि आप देख रहे हो कि 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मियों के रिक्त पदों के सापेक्ष नितांत अस्थायी रूप से इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो केवल पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर बेरीबाग सहारनपुर में दिनांक 5/8/2023 की 5:30 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है, तो लास्ट डेट इन्होंने 5/8 बताई है और शाम के 5 बजे तक, और 9 आवासीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में ये नोटिफिकेशन है और कक्षा 6 से 8 के लिए टीचरों का एडवर्टीजमेंट निकाला इन्होंने। जैसा कि आप देख रहे हो कि पहले नंबर पे है पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए, तो इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है पीसीएम वर्ग से स्नातक और प्रशिक्षित स्नातक मतलब बीएड होना चाहिए, और समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी। मतलब इन्होंने बताया कि इसमें एक तो सिर्फ महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है और यहाँ पे सिर्फ उन्होंने महिलाओं के लिए बताया कि महिला ही सिर्फ आवेदन कर सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका लिखा हुआ गणित के लिए, इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, साथ में बीएड और साथ में टीईटी होना चाहिए आपका, और एक वैकेंसी है और सैलरी देंगे ये पर मंथ 22,000 रुपये। तो उसके बाद पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए है, और पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय के लिए, पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए, पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए, उर्दू शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए, अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा के लिए, और अंशकालिक शिक्षिका कला एवं क्राफ्ट के लिए, लेखाकार महिला चाहिए, पूर्णकालिक मुखिया रसोईया महिला, पूर्णकालिक सहायक रसोईया महिला, चपरासी महिला, चौकीदार महिला। जैसे कि आप देख रहे हो कि सभी पद महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, और इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, साथ में बीएड मांगा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और साथ में टीईटी पास होना चाहिए आपका। वैकेंसी आप देख ही रहे हो, और साथ में सैलरी है जैसे पूर्णकालिक शिक्षिका की 22,000 रुपये है, और उर्दू शिक्षिका की 13,200, अंशकालीन शिक्षिका की 9,800 रुपये है, और लेखाकार की 11,000 रुपये है, पूर्णकालिक मुख्य रसोइये की 6,900 रुपये, पूर्णकालिक सहायक रसोइये की 5,175 रुपये, चपरासी की 5,750 रुपये, और चौकीदार की 5,750 रुपये। तो ऐसे टोटल 29 वैकेंसी है। तो देख सकते हो आप, आगे इन्होंने कुछ निर्देश भी दिए हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समरूप है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 19 एवं 25 में वर्णित मान एवं मानकों की अनुसूची के अनुसार ही शिक्षिका का चयन किया जाएगा। और एज का क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2023 को न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसी शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2021-22 में नवीन सुविधा से वंचित रहे हो, उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गई सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2 अंक अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा। तो अगर पहले से आपने काम किया है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में तो उसके अतिरिक्त अंक मिलेंगे, और पर ईयर का 2 अंक दिए जाएंगे, और टोटल 30 अंक मिल सकते हैं आपको। उसके आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में लगाने हैं। उपरोक्त समस्त पदों में आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अंतर्गत दिया होगा। किसी सेवा में बर्खास्त नैतिक चारित्रिक अधर्मता के अपराध के लिए 2 सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्हत नहीं होंगे।
समस्त पद पर महिला अभ्यर्थियों का ही नवीन चयन किया जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका एवं मुख्य रसोईया, सहायक रसोईये को विद्यालय में ही निवास करना होगा, किंतु परिवार के किसी अन्य सदस्य को विद्यालय परिसर में निवास की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो पूर्णकालिक शिक्षिका है और रसोईया है तो उनको विद्यालय में ही रहना होगा और विद्यालय में उनको खुद रहना, उनके अलावा परिवार के किसी सदस्य को अनुमति नहीं दी जाएगी। सहायक रसोईये के पद हेतु अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता एवं किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने आगे बताया है, आगे इन्होंने बताया कि शैक्षिक पदों हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु पदवार, विषयवार, वर्गवार पृथक पृथक श्रेणियाँ श्रेष्ठता सूची बनाई जाएगी एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुलस्केप कागज पर ही पृष्ठ पर होना चाहिए, अनिवार्य है। अपूर्ण अपठनीय बिना फोटो एवं बिना हस्ताक्षर एवं निर्धारित प्रारूप से इतर आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित अभ्यर्थी सभी जिम्मेदार होंगे। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ऐसे सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदन के लिफाफे के ऊपर आवेदन पद का नाम व विषय का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। आवेदन पत्र के साथ अपनी दो स्वय प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत दो चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, उच्च प्राथमिक स्तर की TET का प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की स्वय प्रमाणित 6 प्रतियों के साथ अपना स्वय का पता लिखे हुए दो लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए संलग्न करें। प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इन्होंने सभी डॉक्यूमेंट बताए हैं जो जो भी आपको साथ में अटैच करने हैं, तो वो ये सब डॉक्यूमेंट आपको परफॉर्म के साथ अटैच करने हैं। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बेरीबाग सहारनपुर में दिनांक 5/8/2023 की सायं 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने एड्रेस भी बताया जहां पे आपको भेजना है और 5 तारीख लास्ट डेट बताई है, शाम के 5 बजे तक। उर्दू शिक्षकों की कार्यावधि प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक होगी। अंशकालिक शिक्षिका की कार्यावधि विद्यालय में शिक्षण अवधि तक होगी। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। उपरोक्त समस्त पदों पर चयन नितांत अस्थायी सुविधा के आधार पर अधिकतम 11 माह 29 दिन हेतु किया जाएगा। सेवा अनुबंध रुपए 100 के स्टाम्प पेपर पर किया जाएगा। यदि कर्मचारियों का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाया जाता है तो पुनः नवीन अनुबंध जिलाधिकारी महोदया के अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा। काउंसलिंग इत्यादि हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं होगा। समस्त पद मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बैठक में दिए गए निर्देशों के अधीन होगी। काउंसलिंग की सूचना अभ्यर्थियों के दूरभाष मेल आईडी एवं पत्र विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। चयनित विषय के अतिरिक्त योग्यता के आधार पर अन्य विषयों का भी शिक्षण कार्य लिए जाने का अधिकार बेसिक शिक्षा अधिकारी में निहित होगा। चयन के संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। एव शासनादेश संख्या बेसिक शिक्षा अनुभाग 5/11/2020 एव महानिर्देशक स्कूल शिक्षा एव राज्य परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के पत्रांक संख्या में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब कंडीशन बताई है इन्होंने साथ में। तो अगर आप में से जो भी साथी इन कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आगे इन्होंने फॉर्म भी दिया हुआ है, ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको भर के भेजना है। और जो भी साथी एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट इन्होंने 5 तारीख बताई है। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।